चलो अब बात करेंगे किसके बारे में, अब बात करेंगे मई 24 के पेपर के बारे में। ठीक है, आ जाइए यहाँ पे ध्यान दो। अभी अपना और एक दो सेशन बचे हुए हैं जिसके अंदर अपने को यूनिट 2 के क्वेश्चन एंड आंसर्स को यहाँ पे करना है, ठीक है ना। आ जाइए, सबसे पहले देखो पेपर के 2 पार्ट्स होते हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। सारे लोग समझ लीजिए क्या होता है करके, पार्ट 1 और पार्ट 2, ठीक है ना। ये जो है पार्ट 2 है, मतलब पार्ट 1 में क्या मचाया होगा, MCQ होगा, ठीक है। तो देखो पार्ट 1 में MCQ है जो आप सॉल्व करके पेपर भी उनको दे देते हो और OMR शीट भी उनको दे देते हो। मैं आपको बता रहा हूँ, आप OMR केवल और केवल पेंसिल से भरोगे, पेन से नहीं भरोगे। समझ गए क्या आप बात को? यस। उसके बाद एंश्योर कि आपको क्वेश्चन पेपर दोनों पार्ट का मिला। वाह 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 वाह, हमें तो पता ही नहीं था। अगर नहीं मिला तो इनविजिलेटर को बताओ। पहला आपको OMR शीट पे मिलेगा और दूसरा पार्ट 2 आपको लिखना पड़ता है। समझे क्या? प्लीज ऐसा मत करना कि एक पेपर में पार्ट 1 लिखे और ऑप्शन 1 है, 2 है, ABCD खेले ना मुन्ना ना। आपको OMR के ऊपर MCQ करना है और पार्ट 2 जो आपको लंबी जाड़ी सी शीट मिलेंगी 40 पन्नों की, उसके ऊपर, या अभी 25 पन्नों की कर दिए, उसमें आपको करना है, ठीक है ना। ओके सर, अब ध्यान दो, OMR शीट कवर पेज में डिस्क्रिप्टिव प्रॉपर बारकोड स्टिकर वगैरह जो है सब उस पे ध्यान रखना। कुछ कहीं पे गोदा आदि मत कर देना, लोग अपने बेवकूफ सर के रोल नंबर गलत लिखते वहां पे, नहीं करने का। थोड़ा सा 5-10 मिनट लगा के रोल नंबर को अच्छे से फिल करो बेटा, उसके बाद ही आगे बढ़ना। देखो रोल नंबर एक बार का लिखने में गलती हो गई चलेगा, पर वो जो गोला बनाओगे ना वो गलत हो गया तो गए बेटा तुम काम से, तुम्हारा पेपर नहीं होना चाहिए। क्योंकि OMR मशीन से चेक होता, मशीन डिटेक्ट ही नहीं करे, बोले दो दो गोले भर के रखे गए, लेने एक ही रो में दो गोले भर के रखे, कैसे रोल नंबर समझ में आए, आप सोच के देखो। तो ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है ना। चलिए सर आओ पार्ट 2 के ऊपर चलते, देखो क्या बोला गया। सर टोटल बबुआ 70 मार्क का पेपर है पार्ट 2 का, टोटल 6 क्वेश्चन है जिसमें से पहला कंपल्सरी लागे और बाकी जो 5 क्वेश्चन है उसमें से 4 सॉल्व करो, यानी इन टोटल 5 क्वेश्चन सॉल्व करना है। 70 डिवाइडेड 5 यानी कि 14 मार्क्स का हर एक क्वेश्चन होने वाला है। बहुत बढ़िया। वर्किंग नोट्स को आंसर का पार्ट बनाए, ये कॉमन होती है ना, ये पहला पेज हर जगह कॉमन है बेटा, इसलिए वो अकाउंट्स अकाउंट्स टैक्स में बोलते तो इसमें भी बोल दिया, ठीक है। उसके बाद देखो आंसर आर टू बी गिवन ओनली इन इंग्लिश एक्सेप्ट इन केस ऑफ कैंडिडेट जिन्होंने हिंदी मीडियम में दिया है ना, तो वो हिंदी में लिख सकते हैं। फिर If candidate has not obtained for Hindi medium, his answer will not be evaluated. आपने select ही नहीं किया, तो चल बोले यहाँ से, हम check नहीं करते। आओ सब ध्यान दो, ठीक है? आओ सुन। उसके बाद सारे के सारे लोग ध्यान दो। अभिषेक कह रहे हैं फाउंडेशन में पेन से भर दिए थे, बाद में इनविजिलेटर ने अलाउ कर दिया। देखो मैं एक बात बताऊँ क्या, बाद में तो मतलब तुम राह देख रहे हो क्या कि तुम पेपर पेन से करो फिर इंस्टीट्यूट कैंसिल माने उसको? वैसे इंस्टीट्यूट नहीं मानती, कर लेती है, पर कर दिया किसी समय कैंसिल, किसी समय आता माजी से अटकली हो गया इंस्टीट्यूट का, क्या करूंगे आप? फालतू के बुड़बुक जैसे सवाल नहीं पूछने का बेटा, जो है वो है, खत्म हो गई बात है। पेंसिल से बोला तो आप मतलब यार मैं को जब बोला आपको ब्लैक पेन से ही पेपर लिखना पड़ता, एक्चुअली मैं ब्लैक पेन, तो आप रेड पेन से लिख के आओगे क्या? बोले देखना चाहता हूँ क्या होता रेड पेन से। अरे यार यार समझो ना बात को, है ना, ऐसा नहीं करने का, ठीक है ना। आ जाओ यहाँ पे, ठीक है ना, मैं बाकियों के बारे में बता रहा हूँ। उस समय गलती हो गई होगी, लग समझने का खुद को, वाह पास हो गए करके, अभी अपने को एकदम अच्छे से सब कुछ चीजें करना है, क्या करना है, ठीक है ना। आओ सर ध्यान दो, पहला सवाल मैं कराने जा रहा हूँ, क्या आप सब लोग है तैयार? ये क्लास 1 के बारे में दे चुका है, क्लास 2 के बारे में दे चुका है। आओ सुनो, एट द टाइम ऑफ इशू कंपनी इज फुलफिल ऑल कंडीशंस, ठीक है। कंपनी वॉन्ट्स टू वेरी वोटिंग राइट्स ऑफ क्लास 2, क्लास 2 के वोटिंग राइट्स बदलना चाहते हैं। 1 vote for every 5 share से 10 vote for, मतलब 1 vote for every 10 share करना चाहते हैं। ओ माई गॉड, आओ द कंपनीज MOA AOA पावर देता है। चलो पहली चीज तो बढ़िया वेरिएशन की होगी कि MOA AOA का पावर चाहिए, एक्चुअली AOA का चाहिए, MOA तो ऐसे ही लिख दिया अब हमने, ना आओ। द होल्डर ऑफ 40,000 इन्होंने कंसेंट दे दिया, रे दे दिया। देखो जिस क्लास को आप चेंज कर रहे हो ना उसमें से आपको क्या लगता है बेटा, उसमें से आपको कंसेंट लगता है। तो 50,000 इक्विटी शेयर होल्डर थे, इंटू 3/4 करूंगा तो 37,500 शेयर्स के ऊपर कंसेंट चाहिए। 40,000 से आ गया, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, है ना। आ जाओ, ओके। तो देखो मैं कर सकता हूं, हाँ 3/4 से मुझे मतलब 3/4 जो अलॉटेड है 37,500 का अप्रूवल चाहिए, वो अप्रूवल आ गया तो मैं बिल्कुल बिल्कुल क्या कर पाऊंगा, मैं बिल्कुल बिल्कुल चेंज कर पाऊंगा, क्या वेरिएशन कर पाऊंगा। पहले का आंसर है यस, आप कर पाए। दूसरा,
क्या डिसेंटिंग शेयर होल्डर ट्राइब्यूनल को अप्लाई कर सकते हैं? कर सकते हैं। कब? ट्राइब्यूनल को अगर डिसेंट होने नाराज फुप्पा जा सकते हैं, लेकिन 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 आपको 10% लोगों 10% का ये चाहिए। 10% कितना होगा इसका? 10% इसका होगा 5000 इक्विटी शेयर जितने होल्ड करते हैं ना लोग, वो जा सकते हैं ट्राइब्यूनल के पास। ये कितने गए? 4500। लात मार के भगाओ इनको। नहीं, इनको क्या दे देंगे? इनको पैसे दे के सेटल कर देंगे। समझे क्या बात को? वो जा सकते हैं 21 डेज के अंतर्गत अगर जितने 10% ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स के लोगों का सहमति बनता है तो वो जा सकते हैं। ऐसा यहाँ पे पॉइंट बोला गया। क्या इजी था? क्या एकदम इजी था बेटा? बच्चा मुन्ना है एकदम, ये मुन्ना। समझे क्या? इससे आसान दुनिया में और कुछ नहीं हो सकता है ना। मेरे हिसाब से पहला सवाल इजी इजी था, ठीक है ना। समझे क्या? बोलो मेरे को जल्दी से, समझे क्या? सेकेंड सवाल भी इजी है बट अनएक्सपेक्टेड है। ये बी कैटेगरी का टॉपिक होता है और बी कैटेगरी में से पहले इसमें कंपलसरी क्वेश्चन में डाल दिया सर। एक बच्चे का बहुत ही प्यारा सा डाउट है। वो ये कहता है सर मुझे क्वेश्चन नंबर 1 नहीं आता, मैं बाकी पांचों करके आ जाओ तो वो तो पेपर चेक होगा क्या? होगा ना चेक। किसने बोला नहीं होगा? पेपर जरूर से चेक होगा, लेकिन 56 नंबर का ही आपने पेपर किया ऐसा माना जाएगा। समझे क्या बात को? मतलब क्वेश्चन 1 करना है सर, आए तो भी करना है, नहीं आए तो बैंक छोड़ के आ जाना, पर करना है ये सवाल ना। आ जाओ अब बीबीक्यू के बारे में बात करेंगे। बीबीक्यू के पास क्या बेटा? रजिस्टर्ड ऑफिस है हैदराबाद में, जिसमें दो ब्रांचेस है। अच्छा, दो ब्रांचेस है कहां पे? दिल्ली में, लंदन में। अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन ब्रांचेस ऑफ ऑल बुक्स एंड रिकॉर्ड्स वो ब्रांच पे ही मेंटेन करते हैं। द ब्रांच अकाउंटेंट ऑफ द दिल्ली ब्रांच सेंट मंथली एंड द ब्रांच अकाउंटेंट ऑफ लंदन ब्रांच सेंट यहाँ पे क्वार्टरली ट्रायल बैलेंस पीएनएल, मतलब एक प्रकार से रिटर्न यहाँ पे भेज रहा है वो टू हैदराबाद ऑफिस। One of the assistant of audit team, Mr. Naveen, raised the issue that branches of the company maintain its books of accounts at branches, so it defaults not maintaining proper books of accounts. क्या ऐसा कुछ है क्या? नहीं, मतलब एक ब्रांच है तो खुद के बुक्स ऑफ अकाउंट्स ब्रांच पे मेंटेन कर सकते हैं, बस उनको पीरियोडिकली भेजना पड़ता है। कहाँ पे? पीरियोडिकली भेजना पड़ता है इंडिया में ब्रांच है तो, और अगर आउटसाइड इंडिया में तो भेजेंगे क्वार्टरली, क्वार्टरली भेजना पड़ता है। इंडिया के लिए पीरियोडिकली, पीरियोडिकली आज तक डिफाइंड नहीं है, तो इन्हें अगर मंथली भी भेज रहे तो भी चल जाएगा अपने लिए, ठीक है ना। ओके, मिस्टर नवीन फर्दर ऑब्जेक्टेड टू द फैक्ट दैट लंदन ब्रांच सेंड द समराइज ओ माय गॉड ऑन द क्वार्टरली इंस्टेड ऑफ मंथली। अरे भेज सकते हैं ना बाबू, ये तो भेज सकते हैं क्वार्टरली, आप समझ रहे हैं क्या? ये बिल्कुल बिल्कुल भेज सकते हैं ना। यस सर, है ना। चलिए सर आओ यहाँ पे ध्यान दो, ध्यान दीजिए यहाँ पे। और क्या उसके बाद? You are requested to analyze the decide the validity of both the objection and relating to the place maintained in the books of account sending summarized returns to the registered office referring to the provision of companies. तो यहाँ पे क्या हो गया बोलो जल्दी से सर? यहाँ पे आ जाता है क्या सर? यहाँ पे आ जाता है कि ब्रांच मेंटेन कर सकता है सेम मैनर में जैसे हेड ऑफिस मेंटेन करता है, और ये क्वार्टरली रिटर्न्स भेजते हैं, तो क्या बात चल जाती है क्या? बिल्कुल बिल्कुल चल, मंथली पीरियोडिकल में भेजता है तो भी चल जाती है। मतलब यहाँ पे जो कंटेंशन है नवीन का, क्या वो रॉन्ग माना जाएगा क्या? हाँ, तो सबसे पहले आप एक्ट एप्लीकेबल लिखना, कंपनीज एक्ट 2013, प्रोविजन डालना, जो जो प्रोविजन से बुक्स ऑफ अकाउंट और उसके रिटर्न से रिलेटेड वो डालना, और आखिर में आप कंक्लूजन देना कि नवीन का कंटेंशन गलत है, ब्रांचेस खुद के बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन कर सकते हैं और वो क्वार्टरली में भिजवा रहे और पीरियोडिकली भिजवा रहे, तो बिल्कुल वैलिड माने जाएंगे क्या सर? माने जाएंगे, ठीक है। आ जाओ चलो अब ध्यान दो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है बेटा। आउट ऑफ डिसेंट अप्लाई द ट्रिब्यूनल एक्शन वेदर कैन अप्लाई टू ट्रिब्यूनल। तो यहाँ पे क्या कह रहे हो पंकज, मुझे समझा नहीं बेटा। मुझे समझा नहीं आप क्या बोल रहे हो पंकज। आओ ध्यान दो, सी वाले पॉइंट के ऊपर आएंगे, ध्यान दीजिए यहाँ पे। Mr. L was employed as a fashion designer in Elegant Textile Limited, a public limited company in Gurugram, India, during financial year 23-24. So, 23-24, he efficiently provided his service for 183 during the above period. मतलब 23-24 में 183 days के लिए रहा, 182 से ज़्यादा है। He has efficiently provided हुआ। Mr. H, the human resource manager of Jeff Fashion Limited, Paris, foreign country. Offered him for better employment opportunity, वो वाले केस के, ठीक है। आ जाइए अब देखो, on 2-4 यानी कि 1 अप्रैल के बाद हो रहा है यहाँ पे। Mr. L left India for taking up employment as a production controller at Jeff Fashion Limited in Paris.
30/4/24 ही फ्लू बैक टू इंडिया फॉर 10-डे फैमिली फंक्शन इन मनाली इंडिया। इन द लाइट ऑफ फेमा बताओ स्टेटस ऑफ एल, जब वो रिटर्न हो रहा है फैमिली फंक्शन के लिए या इंस्टेड ऑफ वैकेशन अगर वो एम्प्लॉयमेंट के लिए ज्वाइन होता है तो। मुझे बताइए अगर प्रीवियस ईयर में 183 डेज से ज्यादा है, ये पहली कंडीशन, अगर ये अचीव नहीं होती तो डायरेक्टली पीआरआई बोल देते, लेकिन साथ साथ में अगर वो इंडिया से बाहर एम्प्लॉयमेंट के लिए जा रहा है तो क्या माना जाएगा, बोलो जल्दी से। सर 183 है, लेकिन अगर इंडिया के बाहर आप एम्प्लॉयमेंट के लिए जा रहे हो तो आपको हम लोग क्या मानेंगे, पीआरओआई मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं बोलो, नॉन रेसिडेंट पीआरओआई, पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया मानेंगे। मतलब सर आप फैमिली फंक्शन के लिए आ रहे तो पीआरओआई ही माने जाओगे सर, लेकिन अगर वो एम्प्लॉयमेंट के लिए इंडिया में आ जाता, मतलब क्या वो अगर एम्प्लॉयमेंट के लिए इंडिया में आता तो जरा मुझे एक बात बताओ, मैं उसे क्या मानता, पीआरआई मानता। क्यों पीआरआई मानता, क्योंकि पिछले साल वो 182 डेज या उससे ज्यादा है क्या, हाँ है। अगर पिछले साल वो ही नहीं होता तो मैं पीआरओआई का स्टेटस रहने देता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या कहूंगा मैं, यहाँ पे मैं इसको पीआरआई कह दूं क्या, हाँ सर, क्योंकि ये एम्प्लॉयमेंट के लिए आ रहा है। याद है आपको, एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस, वोकेशन या अनसर्टन पीरियड के लिए अगर इंडिया के बाहर जाता है तो पीआरओआई, इंडिया के अंदर आता है तो पीआरआई, ऐसा अपन ने कहा था, ठीक है। चलो क्या मैं आगे बढ़ू, ध्यान दो क्वेश्चन नंबर टू। मेरे हिसाब से अच्छा सवाल था, इजी इजी सवाल थे, ज्यादा डिफिकल्ट वाले सवाल नहीं थे, ठीक है ना। चलो इसमें किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, कोई भी डाउट है किसी, नहीं नहीं बेटा पीयूष आप समझो, इतना आसान नहीं। देखो क्या होता है, जब एग्जाम आप समझो, पेपर जो आसान अपन बाहर बैठ के बोल सकते हैं पर इतना आसान नहीं था। अब अगर बी कैटेगरी का टॉपिक पूछेंगे बेटा तो कोई एक्सपेक्ट थोड़ी करता है क्वेश्चन नंबर वन में बी कैटेगरी आ रहा है, आप समझ रहे क्या। तो ऐसा नहीं, वो एग्जाम की कंडीशन में डरावनी बातें हो जाती है, थोड़ा सा डिफिकल्टी होती है। मेरे हिसाब से पेपर थोड़ा सा एवरेज से हल्का सा ऊपर था। बाहर बैठ के कमेंट करना आसान है अपने लिए कि पेपर इजी था, बट वो एग्जामिनेशन कंडीशन में यार बच्चा थोड़ा घबरा जाता है उसको, है ना, ऐसा है, ठीक है क्या। चलो सर ध्यान दो, यहाँ पे सुनो, आओ यहाँ पे सुनिए। रेफरिंग टू द प्रोविजन, क्वेश्चन नंबर टू के ऊपर चलते हैं। रेफरिंग टू द प्रोविजन आंसर द फॉलोइंग क्वेरीज। देखिए, व्हाट इज द टाइप ऑफ रिजोल्यूशन टू बी पास्ड एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन टू बी प्राइवेट प्लेसमेंट में किया जा सकता है, तो 200। ये अपने क्वेश्चन बैंक, अच्छा मैं बता दूं आपको, ये अपने क्वेश्चन बैंक का सवाल है, ये अपने क्वेश्चन बैंक का सवाल है, और ये भी अपने क्वेश्चन बैंक का सवाल है। आप चेक कर लेना, पीआरआई पीआरओआई के ऊपर भर भर के क्वेश्चन देके रखे अपन, ठीक है, ओके। ये वाला सवाल अब एग्जैक्ट आपको क्वेश्चन बैंक में नहीं दिखेगा, लेकिन जब आप क्वेश्चन बैंक के सवाल करेंगे तो 200 की लिमिट तो इतने जगह आया है कि क्या बताऊ आपको। और एसआर पास आपको करना पड़ता है क्या, हाँ सर करना पड़ता है। उसके बाद देखो सर, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन अलॉटमेंट क्या होता है, सर मुझे बताइए, एप्लीकेशन से कितने दिन के अंदर अलॉटमेंट करते हो, 60 दिन के अंदर, नहीं किए तो 15 दिन के अंदर रिफंड करते हो, बराबर है ना, यस सर, नहीं तो आपको ब्याज पे करना पड़ता है, कितना परसेंट का ब्याज है बताओ, तो आपको लिखना पड़ेगा ये पूरा, 60 दिन के अंदर अलॉट करना, नहीं कर पाया तो 15 दिन के अंदर रिफंड करना, वो भी नहीं कर पाया तो आपको ब्याज देना पड़ेगा। और मान लो 7 साल तक कोई भी एप्लीकेशन पर्सन नहीं आया एप्लीकेशन मनी का लेने के लिए, तो आईपीएफ के अंदर ट्रांसफर करो, ये उसके कॉन्सिक्वेंसेस आ जाते हैं क्या सर, आ जाते, ठीक है ना। चलो सर, 18% का ब्याज होता है, बिल्कुल सही बोल रहे हो, इसको नहीं याद है उसको बता दूं मैं। अब देखो, इनके शेयर्स वेर अलॉटेड विद इन रिक्विजिट टाइम, तो कंपनी क्या यूटिलाइज कर सकती है क्या फंड्स। तो देखो क्या सर, अगर आपने शेयर्स को अलॉट कर दिया और आरओसी को रिटर्न फाइल कर दिया, दो चीजें होनी चाहिए, शेयर्स अलॉट कर दिया और आरओसी को रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट फाइल कर दिया, तब जाके आप क्या कर पाओगे, तब जाके बेटा आप पैसे को यूटिलाइज कर पाओगे प्राइवेट प्लेसमेंट, बराबर ना। तो दोनों चीजें अगर हो जाती है तो आप बिंदास तरीके से क्या कर दीजिए, बिंदास तरीके से पैसा यूज कर लीजिए, ठीक है। तो 5 मार्क के लिए ये 3 सवाल है, तो मेरे को लगता है ये 2 नंबर के, ये 2 नंबर के लिए और ये 1 नंबर के लिए, ऐसा कुछ होगा, इसके इंटरनल डिवीजन इसका नहीं दिया है। अब देखो 3 मार्क का अगला सवाल आता हुआ है ना, आ जाओ यहाँ पे सर, क्वेश्चन 2 का बी पार्ट चल रहा है जिसमें 3 पार्ट का, ये 3 और 3 2, ऐसा 5 यहाँ पे डाल दिया गया, और आखिरी में 4 मार्क का आने वाला है, ठीक है। देखो बहुत ईजी है, इन द सर्कमस्टांसिस वेयर एम एंड पी जॉइंट शेयर होल्डर्स ऑफ प्राइवेट लिमिटेड प्राइमल प्राइवेट लिमिटेड होल्डिंग 500 इक्विटी शेयर्स हैव कॉन्फ्लिक्टिंग व्यूज ऑन द वन स्पेशल बिजनेस जो रिलेटेड टू प्रपोज चेंजेस इन एओए एट द ईजीएम, मिस्टर एम इज एंडोर्सिंग रेजोल्यूशन की फेवर में और मिस्टर पी डिसेंटिंग में, नाराज है, ठीक है, ओके। डिटरमाइनिंग द प्रोसीजर फॉर कास्ट,
डिटरमाइन द प्रोसीजर फॉर कास्टिंग द वोट इन द इवेंट ऑफ सिचुएशन। मुझे बताइए, ये तो बुक का इलस्ट्रेशन है मेरे हिसाब से, और अपने अपने क्वेश्चन बैंक का भी है। इसके अंदर क्वेश्चन बैंक में भी आपको दिख जाएगा जॉइंट शेयर होल्डर के ऊपर क्वेश्चन। सर सबसे पहले क्या बोला जा रहा है कि आप दोनों पार्टीज का अगर जिस भी मैटर के ऊपर कंसेंट है आप वो कंसेंट ले लो। सर अगर मान लो कंसेंट नहीं है तो आपको सीनियोरिटी चेक करना पड़ता है। मतलब क्या आप ये बोलोगे कि अगर मिस्टर एम सीनियर है तो एम की सुनो, और मिस्टर एन सीनियर है तो किसकी सुनो, एन की सुनो, या पी सीनियर है तो पी की सुनो, बराबर है क्या? तो जो प्रायोरिटी है वो डिपेंड करता है सीनियोरिटी के ऊपर। भैया जो सीनियर होगा उसका वोट काउंट होगा, जो सीनियर होगा उसका वोट काउंट नहीं होगा। देखिए तीन मार्क आपने अंदर कर लिए भाई। आओ उसके बाद देखो, ओकरा लिमिटेड अ कंपनी हैविंग नेटवर्थ ऑफ 110 करोड़ और टर्नओवर ऑफ 450 करोड़ वांट्स टू एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक, पब्लिक से पैसा लेना चाहती है, तो एलिजिबल पब्लिक कंपनी ले सकती है, ठीक है ना? तो एलिजिबल पब्लिक कंपनी कौन हो सकती है, जिसका 100 करोड़ और 500 करोड़ का यहाँ पे मैटर हो। 100 करोड़ नेटवर्थ, 500 करोड़ टर्नओवर, दोनों में से कोई भी एक चीज ऊपर चले गई तो अपन लोग कहेंगे कि पब्लिक कंपनी आ जाएंगी क्या? हाँ सर, ये एलिजिबल कंपनी हो रही है क्या? ये देखो ना, नेटवर्थ गया ना 110 करोड़, तो हम लोग कहेंगे सर बिल्कुल लागू है, और अपन लोग कहेंगे ये। अच्छा, ये सीनियोरिटी कैसा देखा जाता है, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में जिस प्रकार से नाम लिखा गया है, सीक्वेंस ऑफ नेम, उससे सीनियोरिटी डिसाइड होती है, ठीक है ना? तो क्या, अब देखो सवाल क्या बोला गया, वेदर अबव कंपनी कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक, तो आप लिखोगे येस इट इज एन एलिजिबल कंपनी, इट कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक। क्या बात को, अरे बोलो ना जल्दी से, समझे क्या बात को? गवर्नमेंट है तो पूरा 35% पब्लिक से, लेकिन विद अगर गवर्नमेंट कंपनी है तो 25% और 10% का क्राइटेरिया हो जाता है, बराबर ना? लेकिन यहाँ पे इन्होंने पूछा क्या कितना ले सकते, नहीं। तो आप अगर गलती से गलत डाल दिए, जैसे देखो जयप्रताप ने 35% डाल दिया, अगर गलत डाल दिए जीरो मिलेगा, पूछा नहीं तो बताने का नहीं, बराबर क्या? पूछा नहीं तो बताने का नहीं बेटा, नहीं पूछा ना तो शांत रहने का। ओके, कंपनी इज एलिजिबल टू बोरो द मनी फ्रॉम पब्लिक, आप ऐसा डाल देंगे, बराबर है ना? यस, चलिए सर आओ यहाँ पे ध्यान दो। अब उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर सी के ऊपर बात करेंगे, सी का वन पॉइंट देखिए यहाँ पे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कूल प्राइवेट लिमिटेड। अच्छा, थ्रू अ रेजोल्यूशन पास्ड इन द बोर्ड मीटिंग ग्रांटेड ऑथराइजेशन टू मिस्टर शरद सीईओ ऑफ द कंपनी टू अपॉइंट टू एम्प्लॉइज फ्रॉम द प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट, सब्सिक्वेंटली मिस्टर शरद सिलेक्टेड मिस्टर सुरेश एंड मिस्टर हेमंत फॉर द पोजिशन। However, after one month, Mr. Sharan, noticing unsatisfactory performance and lack of honesty in their duties, issued dismissal order for both employees, citing proper reason. Mr. Suresh contested that dismissal of the court, arguing that board has not empowered Mr. Sharan for appointments and not dismissal, hence dismissal is not in, मतलब dismissal को invalid बोल दिया बेटा, क्या बोल दिया बोलो, invalid कर दिया। ये तो बिल्कुल सिंपल है, एकदम बुक का, ये तो सेम क्वेश्चन बैंक का अपना सवाल है, एज इट इज सवाल आया क्या कि सर पावर टू अपॉइंट इंक्लूड्स डिसमिसल, जीसीए के ऊपर ये सवाल डाला कि जो व्यक्ति के पास पावर होता है अपॉइंट करने का वो डिसमिस भी कर सकता है क्या? हाँ सर, डिसमिस भी कर सकता है, इस बात का ध्यान रखना। तो उसको जो निकाला गया क्या वो वैलिड है क्या? हाँ सर, वो बिल्कुल बिल्कुल वैलिड है, ऐसा अपने को आंसर लिखना पड़ेगा, ठीक है ना? ओके, अब देखो, मिस्टर एम इशूड द चेक ऑफ 3 लाख डेटेड 31/12/2023 एट 10 AM टू मिस्टर एन एज अ कंसिडरेशन टूवर्ड्स मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय लेटर। मिस्टर एन प्रेजेंटेड द अबव चेक ऑन 31/3/2024 ड्यूरिंग बैंकिंग आवर्स। द चेक वॉज डिसऑनर टेकिंग द प्ली दैट इट वॉज नॉट प्रेजेंटेड विद इन द रिक्विजिट टाइम ऑफ 3 months। विद इन 3 months है, मतलब 31/3 को एक्सक्लूड करेंगे और 31/3/24 को इंक्लूड करेंगे, तो क्या ये वैलिड हुआ क्या? हाँ सर, वैलिड हुआ, कंप्यूटेशन ऑफ टाइम के ऊपर सवाल है, और ये सवाल बिल्कुल मतलब यहाँ पे वैलिड प्रेजेंटेशन है, मतलब बैंक का जो कंटेंशन है, बैंक का जो प्ली है वो गलत है। क्या बोलेंगे अपन लोग बोलो, बैंक का जो प्ली है ना ये वैलिड है क्या? नॉट वैलिड, ठीक है? ओके, अब देखो क्या बोला जा रहा है, बोनस इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटलाइज्ड अनडिवाइडेड प्रॉफिट्स एज एन आइडेंटिटी एंड वैल्यू कैपेबल ऑफ बीइंग बॉट एंड सोल्ड। अरे बाप रे, भारी शब्द बोला। इन रेफरेंस टू द अबव लाइन एलैबोरेट द प्री रिक्विजिट्स ऑफ इशू ऑफ बोनस शेयर्स एज एनलिस्टेड इन द कंपनी। बताइए क्या क्या प्री लिस्ट होना चाहिए? तो सर देखो यहाँ पे, AOA के द्वारा ऑथराइज हो, किसी भी प्रकार का डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए, रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट्स या डिविडेंड से रिलेटेड चीजें,
फिर फुल्ली पेड अप शेयर्स होना चाहिए, इसके सोर्सेस है प्री रिजर्व सीआरआर सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, ये आपको प्री रिक्विजिट्स में लिखते हुए चलना है क्या? यस सर, ये आपको लिखते हुए चलना है, समझे क्या आप बात को? बस ये चार पांच पॉइंट, पांच पॉइंट्स का है तो पांच कोई भी पॉइंट डाल दोगे आपका काम बन जाएगा। बहुत सारे पॉइंट्स है बोनस को, तो कोई भी पांच पॉइंट्स डाल दोगे तो चल जाएगा, ठीक है? आ जाइए फिर देखो ये सवाल पढ़ो बेटा जल्दी से, क्यू वाला जल्दी से सवाल पढ़ेंगे, देखो क्या कह रहा है। क्यू लिमिटेड बोनस वाले पॉइंट्स, यस डायरेक्ट सवाल है, सीधा बोनस उठा के धनाधन बोनस के पॉइंट्स डाल, क्यूबी में आपको दिख जाएंगे अपने क्वेश्चन बैंक में, ये सवाल आपको दिख जाएंगे, ये भी सवाल अपने क्यूबी में है बेटा, ये वाला भी सवाल था अपने क्वेश्चन बैंक में और ये वाला भी सवाल है अपने बोनस से रिलेटेड। कोई भी क्वेश्चन होगा तो उसमें कुछ प्री रिक्विजिट्स देखे रखे, वो एज इट इज आने वाले है क्या? यस सर आने वाले, ठीक है ना? चलो सर आगे बढ़े, क्या बोलो, ध्यान दो यहाँ पे। देखो QL Limited is an public limited company incorporated, है ना? बोलो जल्दी से क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, incorporated। हाँ वो तो obvious है ना, वो तो अक्षत आप डालोगे ना यहाँ, ओके कोरम वाला ये, ध्यान दो यहाँ पे, है ना? ओके और कंपनी के पास 1200 मेंबर है, 1000 तक 5 का कोरम होता है, 1000 से 5000 में 15 का कोरम होता है, तो 15 का अपने को कोरम रखना पड़ेगा, ठीक है? ओके 10/12/23 जनरल मीटिंग वॉज कन्वेड इन विच 14 मेंबर्स वेर प्रेजेंट इन पर्सन, मतलब 14 लोग आए थे क्या पर्सन में? हाँ। अब देखो मिस्टर मोहन वॉज एक्टिंग एज एन ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ टू बॉडी कॉर्पोरेट हुआर मेंबर्स ऑफ क्यू क्यू एल लिमिटेड क्यू एंड एल लिमिटेड मेंबर्स ऑफ क्यू एंड एल लिमिटेड टू बॉडी कॉर्पोरेट्स का आ रहा है। तो अब क्या 15 हो गए क्या, मुझे बताओ जल्दी से? सर 14 माना पर्सनली प्रेजेंट है लेकिन 15 मानेंगे क्योंकि बीसी के दो लोग आए, दो बीसी ने एक ही पर्सन को अपॉइंट किया तो उसको दो की तरह ट्रीट करेंगे क्या? करेंगे सर। आ जाओ अब देखो क्या, शाम वन ऑफ द इम्पोर्टेंट मेंबर्स एबसेंट था तो चेयरमैन राही और राही एडजर्न कर दिया मीटिंग के इस हिसाब से कि जो शाम है ना वो मतलब टू सेम डे एंड सेम प्लेस नेक्स्ट वीक में आ जाओ करके। अब देखो द मेंबर्स प्रेजेंट एट द मीटिंग वेटिंग टू अटेंड अपोज द डिसीजन सबमिटिंग दैट मेजोरिटी ऑफ देम प्रेजेंट नाउ शैल बी अनअवेलेबल नेक्स्ट वीक, हम तो नहीं आ पाएंगे। रेफरिंग टू द प्रोविजन मुझे बताइए वेदर रिक्विजिट कोरम अवेलेबल था क्या होल्ड मीटिंग के लिए? हाँ सर था, 15 लोग चाहिए थे, 15 लोग आए हैं। क्या राही एडजर्न कर सकता है क्या? नहीं सर, राही यहाँ पे एडजर्न नहीं कर सकता, इस बात का ध्यान रखना, राही के द्वारा एडजर्न करना पॉसिबल नहीं है सर, ठीक है ना? क्यों? क्योंकि कोरम प्रेजेंट है, तो कोरम अगर प्रेजेंट है तो आप उसको एडजर्न नहीं कर सकते, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है, ठीक है? ओके अब देखो वॉट इज डिफरेंस बिटवीन इंटरप्रिटेशन एंड कंस्ट्रक्शन, कई बार पढ़ लिया बेटा, इंटरप्रिटेशन मतलब लिटरल होता है, नेचुरली एंड ऑर्डिनरी मीनिंग में जो भी उसका मतलब निकल के आता है ऑर्डिनरी सेंस में वो उसका मीनिंग आता है, लेकिन कंस्ट्रक्शन अपन बियॉन्ड वर्ड्स जाके चेक करते हैं क्या? आंसर चेक करते हैं कि कौन से सेंस में उसका प्रयोग किया गया है, ठीक है? ओके तो ये आपको बताना है, 4 मार्क के लिए मेरे हिसाब से काफी सवाल इन्होंने दिया, ये चाहते थे कि आप इंटरप्रिटेशन और कंस्ट्रक्शन के बारे में यहाँ पे आए क्या, आपको यहाँ पे बताना चाहिए, ठीक है ना? आ जाओ अब देखो, अब बात करेंगे किसके बारे में, लॉन्ग बूट्स के बारे में। अच्छा सवाल है, क्वेश्चन नंबर 4, गुड क्वेश्चन। आओ देखो देखिए, लॉन्ग बूट्स लिमिटेड अ लिस्टेड कंपनी इज एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द शूज एंड रिलेटेड एक्सेसरीज, द बिजनेस इज सेट ऑन इन रिकवरी मोड बाय इंडक्शन ऑफ द न्यू प्रोडक्शन मैनेजर मिस्टर ए, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैज रिकमेंडेड दैट डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड ऑफ 50 लाख आफ्टर द गैप ऑफ 8 ईयर्स ड्यूरिंग विच प्रॉफिट्स वेर इनएडिक्वेट टू डिस्ट्रीब्यूट द सेम, ड्यूरिंग विच प्रॉफिट्स वेर इनएडिक्वेट, ना प्रॉफिट्स अभी क्या है बेटा, इनएडिक्वेट प्रॉफिट्स है इस साल में, फिर भी 50 लाख का डिविडेंड देना है, मानते नहीं है लोग, तो इनएडिक्वेट प्रॉफिट्स में याद है कि वो 3 कंडीशंस है बेटा, वो 3 कंडीशंस के बारे में बात करेंगे, जब भी इनएडिक्वेट प्रॉफिट्स है या लॉस है तो 3 कंडीशंस आती है जिसके बारे में चर्चा करेंगे। द डिविडेंड दस प्रपोज टू बी मेड पार्शियली आउट ऑफ द करंट प्रॉफिट ऑफ 16 लाख, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स ड्यूरिंग पास्ट 8 ईयर्स वेर 170 लाख विच इज 25% ऑफ टोटल पेड अप शेयर कैपिटल, तो टोटल पेड अप शेयर कैपिटल कितना हो गया बेटा यहाँ पे देखो, 170 डिवाइडेड बाय 25%, तो मतलब कितना हो गया पेड अप शेयर कैपिटल, 680 करोड़ हो गया ना, हाँ सर हो गया, नहीं लाख है यहाँ पे, तो लाख हो गया, ठीक है? ओके
दे रेफरिंग टू द प्रोविजंस, डिसाइड करो कंडीशन विथ रिगार्ड टू डिक्लेरेशन ऑफ इनएडिक्वेट प्रॉफिट मेट है क्या, यू आर रिक्वेस्टेड टू सपोर्ट द आंसर। तीन कंडीशन है, पहला है एवरेज ऑफ 10 ईयर्स, वो नहीं आएगा क्योंकि पिछले 8 सालों में कुछ भी डिविडेंड नहीं है। तो अपन तो ये भी पढ़े थे कि मान लो एक भी साल डिविडेंड नहीं दिया गया तो वो कंडीशन नहीं लगती, तो अब नहीं दिया गया तो पहली कंडीशन नॉट एप्लीकेबल, ठीक है। तो पहला एनए हो गया। सेकंड में देखो क्या बोला जा रहा है, सेकंड में क्या है बताइए मेरे को, 10% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व। फ्री रिजर्व कितना दे के रखा है इन्होंने, फ्री रिजर्व सर 170 लाख है ना, 170, तो देखो 680 लाख का पेड अप शेयर कैपिटल है प्लस 170 लाख का फ्री रिजर्व का 10% अगर निकालू तो 85 आंसर आता है। तो 85 जितना मैं बांट सकता हूँ क्या, हाँ 85 लाख जितना मैं डिविडेंड बांट सकता हूँ। अब तीसरे, अब हाँ ध्यान दो, अगर इस साल में कोई लॉस होता, अब इनएडिक्वेट प्रॉफिट है इसलिए बच गए, अगर लॉस होता ना तो मेरे को माइनस करना पड़ता उस लॉस को इस अमाउंट से। मान लो 25 का होता तो माइनस 25 करता, 15 होता तो माइनस 15 करता, आप समझ रहे क्या? यस सर। अब देखो क्या बोला है कि जो बैलेंस है ना, जो टंकी में पैसा बचना चाहिए आपके, मतलब क्या मैं फ्री रिजर्व से पैसा निकाल रहा हूं तो उसके बाद फ्री रिजर्व में कितना बचना चाहिए, 15% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल जितना। अब 680 इंटू 15% करूंगा तो 102 आता है, 170 में से मैं 50 लाख निकाल रहा हूं तो बच कितना रहा है, 120। क्या 102 से ज्यादा है क्या? हाँ सर। तो क्या मैं 50 लाख का प्रॉफिट दे सकता हूँ क्या? बिल्कुल बिल्कुल बांट सकता। आपको 680 कैसे आया वो समझा ना बेटा, देखो बोला है यहाँ पे 170 लाख जो है ना वो 25% ऑफ टोटल पेड अप शेयर कैपिटल है, तो 170 डिवाइडेड बाय 25% करोगे तो आपको टोटल पेड अप मिल जाएगा 680। बस उसी का गेम था यहाँ पे और कुछ नहीं, उसी का गेम था, बाकी तो तीन, ठीक है ना, समझे क्या? गुड क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन, प्यारा क्वेश्चन। आओ देखो, अब देखो, अ डिस्प्यूट अमंग द पार्टनर्स ऑफ LLP jeopardize the stability of the business, out of the two partners one due to quarrel, झगड़े के कारण छोड़ के चला गया LLP को, other partners alone continued the business of LLP, you are being expert in the law is requested to explain the provisions governing the LLP being operated by single partner and its winding up by the tribunal as per the proviso of LLP act 2008, ठीक है। क्या याद आ रहा है कि आपको बेटा, वो कंपनी में जैसा है वैसा यहाँ पे भी था, वो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स प्रिस्क्राइब से नीचे जाके अगर 6 महीने के ऊपर आप धंधा करते हो बेटा तो आपको क्या कर दिया जा सकता है, वो मेंबर्स लायबल हो जाता है, पर्सनली लायबल। तो पहले वो प्रोविजन लिखेंगे आप, क्या क्या प्रोविजन लिखेंगे कि अगर 6 मंथ प्लस अगर धंधा चलता है यहाँ पे, अगर 2 से नीचे पार्टनर्स जाते हो, 6 महीने से ज्यादा आप धंधा चलाते हो, तो आप लोग वो जो एक पर्सन कैरी ऑन कर रहा है बिजनेस को पर्सनली लायबल होगा। फिर आप देखो क्या बोला गया, फिर ये पहले तो आप ये एक्सप्लेन कर दिए कि आपने एक्सप्लेन द टर्म आपने समझा दिया क्या यहाँ पे, यस सर यहाँ पे आ जाता है, ठीक है ना, ये देखो ये आप बताएंगे। फिर अब यहाँ पे प्रोविजन ऑफ ट्राइब्यूनल, तो ट्राइब्यूनल के बारे में आप बता सकते हो कि जब ट्राइब्यूनल कब वाइंडिंग अप करा सकता है, जब सॉवरिटी ऑफ इंडिया के ऊपर आ जाए, है ना, समझना। अगर आपने 5 साल तक फाइनेंशियल स्टेटमेंट या स्टेटमेंट ऑफ सॉल्वेंसी एंड अकाउंट्स को सबमिट नहीं किया, बोलेंगे वाइंडिंग अप करो, या मान लो आपका फर्म का धंधा इलीगल हो गया, वाइंडिंग अप करो सर, या 6 महीने के ऊपर अगर 2 से नीचे पार्टनर्स अगर कैरी ऑन कर रहे हैं तो वाइंडिंग अप कर सकते हैं, तो क्या ट्राइब्यूनल यहाँ पे वाइंडिंग अप करा सकता है क्या? बस यही आपको आंसर लिखना है, समझे क्या आप बात को, है ना, यस। तो पहले आप ये समझाना पर्सनली लायबल वाला, वो एक सवाल हुआ, और दूसरा ट्राइब्यूनल हुआ, ठीक है, ऐसा। इस पे 2 मार्क होंगे और इस पे 3 मार्क, जमा। आगे बढ़ू क्या? यस सर। देखो, एक्सप्लेन टर्म जर्नल या स्पेशलिस्ट नॉन डेट्रोगन, इससे समझ गया कि जनरल को ओवरराइड करने वाला। तो आपको रूल ऑफ हारमोनियस कंस्ट्रक्शन यहाँ पे समझा, कि जब भी रूल ऑफ लॉ में 2 बातें दी गई होती है वहां पे, तो अपन हार्मनी क्रिएट करते हुए चलते हैं क्या लॉ के अंदर, यस सर चल, है ना, ऐसा यहाँ पे बताया जाता है, ठीक है, आ जाओ। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है, आ जाओ। ये अब देखो यार, एक आधा है ना थोड़ा सा रिस्क लेते हुए चलना पड़ सकता है बच्चों। अब अपन आप सोच के देखो उसके अंदर कितने भारी भारी कैसे कैसे लैटिन वर्ड्स है, कैसे याद रख सकता बच्चा, नहीं याद रख सकता। पेनल्टी के ऊपर 1-2 सवाल आएंगे, तो कभी भी आप ऐसा समझो कि पूरे पेपर में आपको 5-7% की एक थोड़ी रिस्क बनते हुए चलती है। लेकिन खास बात क्या है, ये क्वेश्चन ऑप्शन में छोड़ा जा सकता है क्वेश्चन, बराबर ना। तो आप ऐसा कर सकते हो कि एक क्वेश्चन को IOS का ऑप्शन में छोड़ दिया जो आपको क्वेश्चन नहीं जम रहा, और बाकी को, लेकिन फिर आपकी बाकी प्रिपरेशन अच्छी होना,
तो ही आप छोड़ने का सोच सकते ना। आप ये सोचो आपने ये छोड़ा और बाकी जगह मुश्किल हो गई तो क्या करेंगे, पैसा नहीं चाहिए। ठीक है आओ सब, आओ नेक्स्ट वाले इस पे चलेंगे, ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 5, पहला ए स्टॉलवर्ड वाला, स्टॉलवर्ड अ लिस्टेड कंपनी हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 11 करोड़ टर्नओवर 100 करोड़ हैज अपॉइंटेड ऑडिट कमेटी विद द रिकमेंडेशन ऑफ व्हिच हैज रिकमेंडेड एएनसी एंड एसोसिएट्स अ फर्म ऑफ सीए हैविंग क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस एज इट इज रिक्वायर्ड फॉर अपॉइंटमेंट एज ऑडिटर ऑफ कंपनी। द नेक्स्ट एजीएम वॉज ड्यू ऑन 30/9/2023। द बोर्ड डिस एग्रीड विद द सेड रिकमेंडेशन ऑफ ऑडिट कमेटी एंड रेफर बैक टू इट्स कंसिडरेशन। और क्या बोला, रेफर बैक कर दिया ऑडिट कमेटी को। ऑडिट कमेटी वॉज एडामेंट ऑफ अपॉइंटिंग, मतलब वो जिद पड़ गई कि हमें ऊपर वालों को अपॉइंट नहीं करना है। तो देखो, डिस्कस विद द रीजन द कोर्स ऑफ एक्शन बीओडी हैज टू रिजॉल्व द अबव डेड लॉक, वॉट वुड बी योर आंसर इफ अबव सिचुएशन दैट द फिलिंग ऑफ कैजुअल वेकेंसी ऑफ ऑडिटर। तो आप सोच के देखो बेटा, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, बोलो ना जल्दी सर, मुझे बताइए बोर्ड क्या यहाँ पे अपनी मनमर्जी कर सकती है क्या, बोलो दोनों केसेस में कर सकती है सर कैसे। देखो भली इनका काम है ये करना रेफर बैक, तो बोर्ड खुद का रिकमेंडेशन सेंड्स इट्स ओन रिकमेंडेशन इन द जनरल मीटिंग फॉर अपॉइंटमेंट। याद है आपको, फूफा जी का काम है रिकमेंडेशन देना, बोर्ड मतलब मम्मी पापा, उनको जो लगे वो वही चीजें कर सकते हैं, अदरवाइज वो रेफर बैक कर। सर कैजुअल वेकेंसी अगर होती थी तो कौन फिल करता था, सीधा बीओडी इसको फिल करते थे क्या? हाँ सर, सीधा बीओडी इसको 30 दिन के अंदर फिल करते थे, इस बात का ध्यान रखना, 50 डेज के अंदर फिल करते, बराबर है ना? यस सर। क्या मैं आगे बढ़ू, बोलो 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 सीधा। उसके बाद स्टेप्स टेकन बाय द बोर्ड फॉर अपॉइंटमेंट इन केस नो रिक्वायरमेंट ऑफ ऑडिट कमेटी, तो कोई नहीं, बीओडी ही बेटा यहाँ पे वो सब चीजें करता था, क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस ऑफ ऑडिटर दिखता था कि वेदर इट इज कमेंसुरेट विद द साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और उसके बाद रिकमेंड कर देता था किसको, उसके बाद मेंबर्स को रिकमेंड कर देता, समझे क्या? बोलो ना बोलो ना बोलो ना, हाँ सर समझ गए। अब देखो फिर बोला गया, एक्सप्लेन द प्रोटेक्शन अवेलेबल फॉर विसल ब्लोअर्स इन द कंटेक्स्ट ऑफ एलएलपी। विसल ब्लोअर्स का मतलब क्या होता है सर, वो पर्सन जो मान लो किसी भी इन्वेस्टिगेशन के अंदर सहारा कर देता है अथॉरिटी को, जिससे सामने वाला कोई दूसरा व्यक्ति प्रूव हो जाता है, तो ऐसे केस में उसकी पेनल्टी वेव कर दी जाती है, उसको सस्पेंड करने से रोका जा सकता है, उसको डिमोट करने से भी रोका जा सकता है क्या? हाँ सर, बेसिकली प्रोटेक्शन देना, ऐसा यहाँ पे बोला गया है एलएलपी के रिगार्डिंग। मैं आज आपको एलएलपी के जो ये है ना चार्ट बुक है, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, एलएलपी के अमेजिंग एकदम चार्ट बुक बनी है, बढ़िया कलर वलर इसमें, एक नंबर, आप चार्ट बुक से पढ़ सकते हैं, ठीक है ना? तो डायरेक्ट डायरेक्ट अगर आप चार्ट बुक से भी पढ़ लेंगे एलएलपी तो भी चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तब आपको मॉड्यूल भी नहीं पढ़ा आपने, तो अपने किसी ने अगर कुछ भी नहीं, मान लो जैसे आपने पढ़ा नहीं पढ़ा, सीधा आप उससे भी पढ़ोगे ना तो भी हो जाएगा आपका काम, ठीक है? आ जाओ। अब देखो, डिस्क्राइब द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ मेकिंग फॉल्स स्टेटमेंट इन रिटर्न स्टेटमेंट या अदर डॉक्यूमेंट एज पर सेक्शन 37 ऑफ एलएलपी। तो 2 साल की जेल प्लस फाइन यहाँ पे प्रिस्क्राइब होती है क्या? पेनल्टी के ऊपर एक सवाल पूछ लिया 2 माह, मैंने कहा ना बहुत नालायक है, जानबूझ के पूछेंगे ये लोग पेनल्टी के। अब देखो सर, प्रोविजन बताइए जीसीए में जेंडर और नंबर क्या? अरे ये तो जबरदस्त है सर, मैस्कुलाइन जेंडर में हमेशा इंक्लूड होने वाला है क्या? यस सर, ही इंक्लूड शी वाला। प्लूरल में हमेशा, सॉरी सिंगुलर में हमेशा प्लूरल आपको देखने मिलेगा क्या? हाँ सर मिलेगा, लेकिन आपको एक्सेप्शन बताना पड़ेगा, स्पेसिफिकली एक्सक्लूड, स्पेसिफिकली एक्सक्लूड किया जाता है किसी दूसरे चीज को तो बात अलग है, अदरवाइज नहीं होता, ठीक है ना? आ जाओ सर, ध्यान दो। नेक्स्ट आओ क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर, ध्यान दीजिए, पढ़ो इसको, पढ़ो जल्दी से, पढ़ो 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 पढ़ो, कम हो रहा है शायद। और देखो यार, मैं पढ़वाता हूँ। एलकेजी लिमिटेड इज अ कंपनी हैविंग पेड अप कैपिटल ऑफ 12.5 करोड़ विद टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स बीइंग 3,500। अच्छा, टोटल मेंबर्स 3,500 है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैव कॉल्ड द मीटिंग टू बी कंडक्टेड ऑन 6/5 एट 2 PM। ऑन द डेट ऑफ मीटिंग कोरम प्रेजेंट नहीं था। अरे बाप रे, विद इन हाफ एन आवर। कोरम कितना चाहिए था? 5 चाहिए था, जो प्रेजेंट नहीं हुआ उनका, ठीक है? तो इट वॉज एडजर्न टू नेक्स्ट वीक 13/5 ऑन सेम डे सेम वेन्यू, परफेक्ट है। इन रेफरेंस टू द कंपनीज एक्ट, बताओ कोरम के ऊपर 2 सवाल पूछ लिए। देखो यहाँ पे क्या, पहला
What will be fate of the meeting in case two members are present, were present at adjourned meeting? देखो, due to want of quorum, अगर meeting adjourn होती है, तो जितने भी members present होंगे, क्या वो valid meeting हो जाएंगी क्या? हाँ सर, वो valid meeting हो जाएंगी. ठीक है, अब देखो, in case on 6-5 out total 16 members were present, but chairman owing to unruly behavior of some members during the meeting had adjourned the same. तो इन्होंने adjourn किया यहाँ पे, ठीक है ना? The same to 13-5 and adjourn the meeting or adjourn meeting में केवल 3 members आए, तो मुझे बताइए क्या होगा adjourn meeting का. देखो, अगर due to want of quorum होता है तो आप check नहीं करोगे, लेकिन अगर कोई any other reason होता है तो आपको quorum को check करना पड़ता है. समझे क्या बात को? आपको quorum को check करना पड़ता है. तो any other reason में quorum को check करेंगे, और यहाँ पे अपने को कितने लोग चाहिए? 5 लोग चाहिए. आए कितने? 3 आए. तो मुझे बोलेंगे सर ये मीटिंग इनवैलिड हो गई क्या? हाँ सर, इनवैलिड मीटिंग हो जाती है. सर अगर रिक्विजनिस मीटिंग बुलाते तो वहां पे quorum नहीं होता तो मीटिंग क्या हो जाती है? कैंसल हो जाती है. बोलो क्या हो जाती है? कैंसल यहाँ पे हो जाती है. ओके सर, अब ध्यान दो. इनकम टैक्स अथॉरिटी has gathered some information and its view that there has been a manipulation of the accounts of FGH, reflecting the incorrect financial position of the company. The statutory body intends to get accounts reopened or re-in. करना चाहते हैं तो statutory body कितने साल के लिए कर सकती है? 8. Company को खुद से चूल है बेटा. Voluntary revision जिसको बोलते हैं तो 3 साल किया जा सकता है. स्टैट्यूटरी बॉडी ट्राइब्यूनल को अप्लीकेशन देके 8 साल का रिन्यूअल करा, मतलब 8 साल की रीओपनिंग करवा सकती है. ठीक है ना? ओके सर, ठीक है. तो देखो क्या वॉलेंटरी रिविजन हो सकता है? क्या हो सकता है? इसके अलावा कितने साल के लिए? 3 साल के लिए. और स्टैट्यूटरी प्रोविजन 8 साल वाली बात यहाँ पे देखे जाता है. ये सबसे आसान सवाल इस दुनिया का. देखो, हु विल साइन द ऑडिट रिपोर्ट इन प्रोप्राइटरशिप? तो जो एलिजिबल पर्सन है सीए प्लस सीओपी, और फर्म ऑफ ऑडिटर है तो कौन करेगा? फर्म में भी वो पार्टनर जो सीए प्लस सीओपी है. पहली बात तो वो फर्म जिसमें मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर सीए होना चाहिए वो एलिजिबल होती है, और उसमें से भी वही पार्टनर जो सीए है वो साइन कर सकते. ओके, अब देखो क्या, हाउ क्वालिफिकेशन ऑफ द रिपोर्ट डील करेंगे एजीएम में? तो इसको रीड करना पड़ेगा बेटा. अगर कोई भी क्वालिफिकेशन और ये सारी सारी चीजें आ जाती है ना, तो अपन लोग क्या कहेंगे? अपन लोग कहेंगे कि यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? बोलते नहीं है आप लोग, जल्दी से बोलो ना सर. अपन लोग बोलेंगे कि वहां पे बोलते ना सर, वहां पे, हाँ बिल्कुल, वहां पे ऐसा बोला जा रहा है. समझे क्या? बोलो 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 मेरे को जल्दी से, क्या आप इस बात को समझे? चलो डन है, आगे बढ़ू? सारे लोग जल्दी से बताइए मेरे को, क्या मैं आगे बढ़ू क्या? है ना? यस सर. चलो नेक्स्ट सेशन ध्यान दो यार, फोकस करना अगले वाले चीज. आओ आओ, देखो उसके बाद अगला आता है यहाँ पे एक्सपर्ट कंसेंट के बारे में. और एक्सपर्ट कंसेंट कौन सा? प्रोस्पेक्टस कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया. मैंने कहा था ये एग्जैक्ट सेक्शन नंबर 26 का है. प्रोस्पेक्टस की जितनी भी बात है ये सेम 26, याद करो. मैंने आपको क्लासेस में कहा था रिवाइज करके आना आज सेक्शन नंबर 26 को. आप रिवाइज करके आए थे, कुछ नालायक नहीं करके आए होंगे, है ना? तो वहां पे बातें बताई गई थी किससे रिलेटेड? एक्सपर्ट से रिलेटेड. क्या बोला गया था? एक्सपर्ट ने रिटर्न कंसेंट दिया, आरओसी में वो कंसेंट फाइल हुआ और प्रोस्पेक्टस इशू करने तक विड्रॉ नहीं हुआ, तो वो कंसेंट क्या माना जाता है? एज पर प्रोविजन माना जाता है क्या? सर एज पर प्रोविजन माना जाता है. समझे क्या? बोलो ना राजा, समझे क्या? बोलो 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 मेरे को जल्दी से. यस सर, एकदम बढ़िया समझ करके. ठीक है, नालायक आगे यहाँ पे नालायक शब्द भी आ गया बीजी सर का, इसके अलावा राजा शब्द भी आ गया एमवी सर का. अब मुझे छोले भटूरे एक बार बोल देना है. ठीक है, चलो आ जाओ यहाँ पे, आओ भटूरो आओ. अब अपन देखेंगे यहाँ पे फेमा से रिलेटेड एक और सवाल यहाँ पे पूछा गया आगे. ठीक है, आ जाओ यहाँ पे देखो. Explain the rules relating to remittance made by the companies other than the individual requiring approval of RBI. ठीक है ना? बताओ सर, कमीशन टू एजेंट अब्रॉड फॉर सेल ऑफ रेसिडेंशियल फ्लैट्स. ये तो बेटा अपन ने यहाँ पे है ना चार्ट बनाया है फेमा का, बाकायदा आप देखो बहुत अच्छे तरीके से आपके बुक में चार्ट बना के रखा हुआ है अपन ने, है ना? देखिए यहाँ पे एजेंट में कितना 5% ऑफ इनवर्ड रेमिटेंस और $25,000 व्हिचएवर इज हायर, उतना पैसा आप यहाँ पे एजेंट को कमीशन में दे सकते हो. ठीक है, आओ फिर देखिए. रेमिटेंस फॉर कंसल्टेंसी सर्विस, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर कंसल्टेंसी है तो 1 करोड़, अदर कंसल्टेंसी है तो 10 लाख.
उसके बाद प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस का कितना है, 1 लाख, और 5% विचेवर इज हायर उतना पैसा आप दे सकते हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल सर, उतना पैसा आप ये दे सकते हो। और यहाँ पे अपना May 24 का पेपर पूरा डिस्कस करके हो जाता है समाप्त, ठीक है ना। तो अगर आप पेपर में देखोगे तो देखो LLP के ऊपर से सवाल था, पेमा के ऊपर से सवाल था, DCA के ऊपर से था, IOS के ऊपर से भी था। अब अगर कंपनीज एक्ट के बारे में बात करूं तो Chapter 1 के ऊपर नहीं था, नहीं था, हाँ हाँ फोटू सा सवाल था एकदम 2 मार्क का डिपॉजिट वाला, K के ऊपर से नहीं था, 7 के ऊपर से सिर्फ कोरम आया था, 8 के ऊपर से आया था, 9 के ऊपर से आया, 10 के ऊपर से आया, 11 के ऊपर से भी आया है, ठीक है ना। बट छोटा सा सवाल था, ऐसा कोई ज्यादा बहुत बड़ा सवाल नहीं था। ये तो मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ कि Chapter 3 का ही सवाल, बराबर है ना। यस सर, क्या बात को समझ, बोलो ना बोलो ना। फेमा में हमेशा इजी आने वाले बेटा, फेमा में डिफिकल्ट आ ही नहीं सकते, मैं आपको बोल रहा हूँ। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं आपसे कहता था ना, बस आप क्वेश्चन बैंक पढ़ो, आप शिद्दत से नोट्स करते हुए चलो, आपको सब चीजें जमना ही जमना है। अब ये आपके सामने आज रहा पेपर, आपने आज तक पूरी चीजें पढ़ी, आपका पूरा कोर्स कंप्लीट हो गया, और ये आज का आपका पेपर भी डिस्कशन। अब इसकी मदद से आप ही बताइए कि अपन ने जो पढ़ा उसके बाहर का कहा कुछ आया है, कुछ भी? 100% कंटेंट कवर हुआ है अपने को, कहता हूं आपसे 100%, समझे क्या आप बात, है ना। तो ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाती है क्या? बिल्कुल आ जाती है क्या आप बात, बोलो ना मेरे को जल्दी से, क्या आप बात को समझ। देखो सिलेक्टिव स्टडी करके कोई मतलब नहीं है, आप पूरा पूरा पढ़ के जाइए, और अगर आप शुरुआत से अभी तक क्लास में हैं तो आपको एक चीज समझ गए, 100% अगर आपको करना है तो बस बस वही ये बात कि 100% पे पूरा पढ़ के जाओ, शिद्दत से पढ़ के जाओ, रिविजन करो बढ़िया से। आपको एक ही काम है, मैं आपको एक बात बता देता हूँ, देखो आपके पास कोई 1000 काम नहीं, कोई आपसे घर वाले आपको काम देते नहीं, कोई कुछ कुछ भी नहीं आपके ऊपर बर्डन है, एक काम है शिद्दत से पढ़ना, तो बस उतना करो ना यार। काय को जबरदस्ती रिले चलाएंगे, काय को ये करेंगे, वो भी करो, मैं कहता हूँ वो भी जरूरी है, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ पढ़ाई। आप पढ़ाई पहले करोगे, टाइम बचा तो वो करना, बिंदा मैं बोलता हूँ एक दिन पूरा चलो, लेकिन कब, जब पहले पूरी पढ़ाई तो कर लो, उसके बाद एंजॉय करो। जैसे आप में से बहुत सारे लोग जो रेगुलर मेरे साथ क्लास में फॉलो किए, तो आज देखो उनका खत्म हो गया अभी तक, अब 30 तारीख तक आपके पास समय, आप छोटी सी 2 दिन की ट्रिप प्लान करके आ जाओ, अगर आपका एकदम रेगुलर पे कोर्स चल रहा है, नहीं भी चल रहा है हल्का फुल्का 2-4 लेक्चर का बैकलॉग है, वो कवर हो जाता है, इतना कोई टेंशन थोड़ी है, वो कवर हो जाता। आप समझ रहे क्या मैं जो कह रहा हूँ आपके साथ? तो आपने आपने क्या करना है, फुल फोकस से बस पढ़ाई पे ध्यान दें। मैं आपसे पहले ही कहा था जो भी हमारे साथ जुड़े है ना, तो आपने मतलब आप लोग सारे लोग आए कॉप से, और बहुत सारे बच्चे फाउंडेशन में आप लोगों का कॉन्फिडेंस था उसके कारण ही आप इंटर में आए हमारे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आप तो इसीलिए कोई इंटर में आता है, सीधी सी बात है ना एकदम, कि हाँ भाई कॉन्फिडेंस है कि आना है करके, तो इसलिए इंटर में। तो अब अपना पूरा लेक्चर हो गया, लेकिन आपने एक चीज देखे होंगे कि फाउंडेशन से इंटर बहुत अलग है। फाउंडेशन में कैसा होता है, थोड़ा सा ज्यादा हंसी मजाक करने का स्कोप होता है अपने पास, लेकिन मैं वो सेम चीज इंटर में कैरी ऑन नहीं कर सकता, क्योंकि इंटर का सिलेबस देखो ना कितना बड़ा है। अपन ने देखो नोट्स भी बनाना जरूरी है, क्वेश्चन भी सॉल्व करना जरूरी है, मॉड्यूल भी करना जरूरी है, और रिवीजन भी जरूरी है। ये ऐसी चीजें हैं बेटा, ये ऐसे 4 स्तंभ है जिसको मैं डिस्टर्ब नहीं कर सकता अपने पढ़ाई के दरमियान। तो क्या हो सकता है, तो जो अपन फाउंडेशन में हंसी मजाक इसलिए, क्योंकि कोर्स छोटा है, समय लंबा है पढ़ने के लिए, या अपने को रिविजन बढ़ाना है, सारी चीजें करना है, आपको एग्जाम्पल दे के भी कंसेप्ट समझाना है। ऐसा नहीं कि आया पढ़ाया ट्रांसलेट किया हो गया बोले पूरा पढ़ा दिया लो, ऐसा तो हो नहीं सकता। ये क्या बात, एक्ट भी वैसा नहीं है, ये सारी चीजें है ना बेटा। तो अपन ने पूरी शिद्दत से पूरे नोट्स अपने बाकायदा बने हुए हैं, आपको क्या करना है, आपको ये नोट्स से अच्छे से पढ़ते हुए चलना है, बस मैं यही कहूंगा आप लोगों के साथ। नोट्स को जितना हो सके देखो, पूरे हर एक चैप्टर के नोट्स मैंने आपको बना के दिया हूँ, प्लीज ये नोट से अच्छे से गो थ्रू करो, प्लीज इससे पढ़ते रहो, प्लीज एकदम बढ़िया तरीके से ऐसे आपको पढ़ना है, समझ रहे क्या आप बात, बोलो ना मेरे को जल्दी से, क्या आप इस बात को, है ना, जल्दी से बोलेंगे यस सर एकदम बढ़िया से। मैं LLP के नोट्स नहीं, मैं LLP के सीधा चार्ट भेज दूंगा आपको, चार्ट से उसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना, हो जाएगा आप, ठीक है यस। होप सो आपको पूरे बैच में बड़ा मजा आया होगा, एकदम जोरदार मजा आया होगा आपको लॉ के बैच में, जो ऑडिट में मिलेंगे, ऑडिट में भी सेम चीज अपन कंटिन्यू करने ही वाले, वो नो डाउट, लेकिन लॉ जिन्होंने ज्वाइन किया होप सो आपको बहुत मजा आया हो, है ना।
एकदम मजा आ गया। और प्लीज मैं चाहता हूँ आप बढ़िया से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, आपके समय मैं रिविजन लाऊंगा। फिर भी किसी भी समय आपको रिविजन की जरूरत पड़ी, सीधा यूट्यूब पे चले जाना, रिविजन हर एक के वन शॉट डले हुए हैं, ज्यादा टेंशन लेने का नहीं। कभी भी आपको दिक्कत हुई मैं आपके साथ हूँ, मैं एक सिर्फ टेलीग्राम मैसेज दूर हूँ बेटा, आप बस टेलीग्राम मैसेज डालने का और मैं आऊंगा यहाँ पे, बराबर है ना? यस। तो अभी अपन लोग मिलेंगे सीधा वेनसडे को, जहाँ पे मेरे को चैप्टर नंबर 2 में कुछ अमेंडमेंट्स हैं, वो मेरे को अमेंडमेंट्स आपको कवर करवाना है, और उसके बाद फिर अपना क्लास हो जाता है समाप्त। वैसे तो टेक्निकली अपना क्लास पूरा समाप्त हो गया है, लेकिन अपना क्लास फाइनली अपन वेनसडे को समाप्त करें, ठीक है ना? तो बढ़िया से पढ़ो यार, अच्छे से पढ़ो मेरे हिसाब से। अब आपका सारी चीजें कवर्ड है, जितना हो सके उतना रिविजन करो। अपन ने इतनी मेहनत की, अगर आप रिवाइज नहीं करोगे ना इसके बाद, तो आप अपने मेहनत के ऊपर लाइक लिटरली अपने मेहनत का वाया जाने दिया है, मतलब आपने बर्बाद कर दिया, मैं ऐसा कहूंगा, ठीक है ना? यस सर, समझ गए क्या? बोलो ना जल्दी से, बात को समझे क्या? सो आप सभी लोगों को हमारा ये वीडियो बढ़िया तरीके से पसंद आ गया और सारे सारे कंसेप्ट्स आपको बढ़िया से समझ में आए हो। जाने से पहले मैं इतना कहना चाहता हूँ कि अगर आप हमसे स्ट्रक्चर्ड तरीके से पढ़ना चाहते हैं, ज्यादा बेहतरीन तरीके से पढ़ना चाहते हैं, तो आप अल्टीमेट सीए का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। जी हाँ, यहाँ पे आपको गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है, उसके बाद सीए इंटरमीडिएट न्यू सिलेबस पे जाइएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आप फुल कोर्स की बैच भी एक्सेस कर सकते हैं, जिसके अंदर मैं आपको लॉ और ऑडिट पढ़ाता हूँ। इसके अलावा आप यहाँ पे अगर आपको सिर्फ लॉ चाहिए तो सिर्फ लॉ भी परचेज कर सकते हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ ऑडिट पढ़ना है मुझसे तो आप ऑडिट भी बाय कर सकते हैं, राइट? और अगर आपको लॉ एंड ऑडिट का कॉम्बो चाहिए तो आप लॉ एंड ऑडिट के कॉम्बो को भी यहां पे एक्सेस कर सकते हैं, लॉ एंड ऑडिट के कॉम्बो को भी आप देख सकते हैं, ठीक है? जैसे अगर मैं बात करूं, मान लीजिए कॉर्पोरेट एंड अदर लॉस पे आप क्लिक करते हैं, एनरोल नाउ पे यहां पे जाइएगा, ये फुल लेक्चर्स है, डिटेल लेक्चर्स है बेटा। यहां पे लाइव बैच जो चालू हुई है आप उस पे क्लिक कर सकते हैं, इस पे आपको बैकअप भी मिल जाते हैं, 2 व्यूज का आपको बैकअप मिलता है। रिकॉर्ड में स्ट्रेट अवे आपको 3 व्यूज मिलते हैं, यानी कि 60 मिनट्स के लेक्चर को 180 मिनट्स तक आप देख सकते हो, और 100 मिनट के सेशन को 300 मिनट तक आप यहां पे देख सकते हैं। 9 मंथ्स एंड 3 व्यूज होता है, विद बुक्स ऑप्शन यहां पे आता है। अब यहां पे दो चीजें, एक आप हमारी पुरानी बैच जिसमें आपको 100% लेक्चर्स एक साथ मिल जाएंगे, और दूसरा ये हमारी नई वाली बैच है जहां पे रोज रोज लेक्चर अपलोड होते हैं, सुबह लेक्चर होता है, शाम में या अगले दिन तक वो लेक्चर ड्राइव के ऊपर अपलोड कर दिया जाता है। उसके बाद आप यहाँ पे ऐड टू कार्ड कीजिएगा, एंड देन फिर यहाँ पे आप पेमेंट कर सकते हैं, राइट? तो ये होता है पूरा प्रोसीजर। प्लीज यहाँ पे अपने एड्रेस को सही तरीके से डालिएगा, पिन कोड सही तरीके से डालिएगा, ताकि जल्द से जल्द हम आपको बुक्स भिजवा सके। 3 कॉपीज आपको मिलती है, 2 मॉड्यूल और 1 कलर बुक आपको, 1 क्वेश्चन बैंक, दो मॉड्यूल्स दोनों कलर वाली होती है, और तीसरी आपको यहाँ पे क्वेश्चन बैंक मिलती है, राइट? सेक्शन वाइज क्वेश्चन बैंक होती है, हर एक सेक्शन के ऊपर अलग अलग वहां पे क्या दिए जाते हैं, हर एक सेक्शन के ऊपर अलग अलग चीजें यहाँ पे, अलग अलग क्वेश्चंस उसके अंदर दिए रखे हैं। तो होप सो वीडियो आप लोगों के लिए आपको पसंद आई हो। टिल देन थैंक यू सो मच वंस अगेन एवरीवन, बाय बाय।